तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने भारत में बनने वाली रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर फेसबुक की भारत के साथ ये पहली डील है जहाँ पर फेसबुक ने भारत में बनने वाली इस रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदने का फैसला लिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट पर किस तरीके से काम किया जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करें फेसबुक के बारे में। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पर 2.79 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स। वहीं पर बात करें भारत को लेकर के, तो भारत में बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सोलर पार्क्स लगाए जा रहे हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। अब ऐसे में बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने का फैसला लिया है। तो वहीं पर हम बात कर रहे हैं फेसबुक जो कि सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इनके पास बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मदद से वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है। तो ऐसे में इस कंपनी ने अपने कार्बन क्रेडिट को बचाने के लिए इस तरीके का काम किए हैं ताकि उनका जो कार्बन का स्कोर है वो काफी ज्यादा ऊपर जा सके अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, यहाँ पर साउथ कर्नाटका में स्थित 32 मेगावाट विंड एनर्जी, इसी के साथ में सोलर एनर्जी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को फेसबुक और मुंबई में स्थित क्लीन मैक्स भारत की विद्युतीय ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति मिलकर के करेंगे, जहाँ पर फेसबुक ने इसको खरीदने का बयान जारी किया है। और अब हम उन लोगों को सुझाव देना चाहेंगे जो लोग नीचे के कमेंट करते हैं कि भारत में कोई भी काम नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत में नए नए सोलर प्लांट्स और विंड प्लांट्स को लगाया जा रहा है ताकि भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सके और पोल्यूशन को भी कम किया जा सके। वहीं पर आपने देखा कि फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए इच्छुक हैं। इसी के साथ में अभी तो भारत ने ग्रोथ करनी शुरू की है, अब धीरे धीरे भारत एक नई ऊंचाई पर जाने वाला है। होप करते हैं भारत के साथ हुई फेसबुक की इस डील के बारे में आप सभी लोगों को सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।